हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब रचनात्मक सोच, और रचनात्मक सोच से हमें और हमारे बच्चों के जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना लाभ होगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और क्रिएटिव थिंकिंग मींस है न्यू कॉन्सेप्ट, सर्चिंग फॉर अ न्यू सॉल्यूशन, सर्चिंग फॉर अ न्यू थिंग। और क्रिएटिव थिंकिंग से हमारी सोच और बुद्धि दोनों तीव्र होती है, और ये क्रिएटिव थिंकिंग ही हमें मानसिक तनाव से दूर रखता है, और हमारी जो थिंकिंग पावर है ये हमें एनिमल से भी अलग करता है। और हमारे बुद्धि की परीक्षा केवल इस बात से हो जाती है कि हम कितनी स्मूथली किसी भी प्रॉब्लम से खुद को निकालते हैं। पर्सन विदाउट डिसीजन मेकिंग पावर इज वन हु हैजंट प्रैक्टिस्ड गुड हैबिट्स, अर्थात जिस मनुष्य के पास मस्तिष्क है उसके लिए विचार करना भी अनिवार्य है। मेरा मानना यह है कि नेचर की सबसे अच्छी क्रिएशन है हम इंसान। एक्चुअली माँ प्रकृति ने हमें रिवॉर्ड के रूप में ये जिंदगी दी है, तो हमें इसकी यूज करनी चाहिए। मेरे ख्याल से हर एक इंसान क्रिएटिव है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। अगर हम ये चीज बच्चों से स्टार्ट करें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो इस पॉजिटिविटी को जिंदगी भर पकड़ के चलने के लिए बचपन से ही अगर बच्चों में रचनात्मक सोच को डाल दिया जाए, उनके साथ उनको जोड़ दिया जाए, तो उनकी हैबिट बन जाएगी और वो अंदर से इतना पॉजिटिव बन जाएंगे कि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में आ जाए वो टेंशन में नहीं आएंगे, उसको बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि लोगों में बहुत एंग्जाइटी हो रही है, लोगों का मेंटल बैलेंस बिगड़ रहा है, कोई कोई फ्रस्ट्रेटेड है, तो इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्रिएटिव थिंकिंग का सहारा लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस रचनात्मक चिंतन ही मुझे भी पॉजिटिव रखने में हेल्प करता है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझा। हमारे सोचने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जिंदगी में, कि हम कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव थिंक कर रहे हैं। किसी भी इंसान के अंदर नुस्ख ढूंढने से पहले सेल्फ एनालाइज करना बहुत जरूरी है, कि आप जो भी कर रहे हो या जो भी सोच रहे हो, क्या इससे लोगों को पॉजिटिविटी मिलेगी या कोई निगेटिव एक्शन होगा। अगर हम ये सोच के चले तो कम से कम गलतियां हमसे, ये क्रिएटिव वे में अगर हम पॉजिटिवली इसको लेके जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। किसी किसी लोगों को सिलाई बुनाई करना अच्छा लगता है, किसी को डांस, तो किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को गार्डनिंग करना पसंद है, तो ये सब रचनात्मक वे में ही आता है। और इस टाइप का कुछ आप जितने समय तक करोगे, आपको बच्चों को बोरियत फीलिंग नहीं होगी बिल्कुल भी, और करने का मन करेगा, बहुत आनंद मिलेगा। रचनात्मक हुए में हमें जरूर चलना चाहिए, और ये करने से हमें अपने ही दुनिया में हम घूम रहेंगे। दूसरों का कौन अच्छा है कौन बुरा है ये देख के हम अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है जेलस फील, मतलब आजकल के बच्चे भी बहुत जेलस फील करते हैं दूसरों को अच्छा करते हुए देख के, तो इन चीजों पे हमें वर्क करना है। हम जितना पॉजिटिव हमारा माइंड रहेगा उतने ही हम क्वालिफाइड और प्रतिष्ठित खुद को कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टोरी स्टडी करना, इनका जो पॉजिटिव हुए है उनको फॉलो करना, ये फीडबैक की तरह काम करेगा। तो हम वे ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में भी आज बात करेंगे। नंबर वन है अकेले या ग्रुप में डेली यूज का कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग उठा लो, और उसको कैसे दूसरे तरीके से हम रीयूज कर सकते हैं, ये सोचना भी एक रचनात्मक सोच कहलाता है। इसके अलावा एक साथ सर्कल में बैठ जाए और अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट करें, इससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है, तो इससे बहुत फायदा होगा बच्चों को, न्यू आइडिया आना स्टार्ट हो जाएंगे। किसी भी तरह का प्रॉब्लम उठा लो और उसकी सलूशन ढूंढना स्टार्ट कर दो, किसी भी मंजिल में पहुंचने का रास्ता खोजिए, नहीं तो रास्ता बनाइए, सोचिए, कोई और भी बेहतर रास्ता अवश्य मिलेगा। मेरा थर्ड पॉइंट है स्पेशली बच्चों के लिए, कि उनके जीवन में एम इन लाइफ रहना बहुत ज़रूरी है, फिर उसको मन तथा लगन से पूरा करने में जुट जाओ और ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट थिंकिंग क्रिएटिवली। अगला पॉइंट है चेंज इज नेसेसरी, इसे हम रोक नहीं सकते, इसलिए आने वाले हालात के अनुसार हम अपने आप को पहले ही बदल ले, ये बुद्धिमत्ता का परिचय है। मैन इज मास्टर ऑफ हिज फेट,
तो आप अपने कल्पना के अनुसार ही उसे बना सकते हैं। इसलिए आपके ड्रीम को इस प्रकार यूज करें कि कठिन तथा अपरिचित मार्ग में भी प्रकाश पड़ने लगे। और दूसरा है, कीप योर माइंड अलर्ट ऑलवेज। निरीक्षण करो, परीक्षण करो, विचार करो और तथ्यों के आधार पर ही अपना मत निर्धारित करो। कुछ ऐसा करो जो दूसरे ना कर सके। ऑब्जर्व सक्सेसफुल पीपल एंड फाइंड आउट द क्वालिटीज, और इस क्वालिटी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। खास करके बच्चे जब सफल व्यक्ति के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तभी वो अपने जीवन में उतार सकते हैं इसको। पॉजिटिव जो एटीट्यूड है आपका, उसमें ही कायम रहने की कोशिश करें। हो जाता है कभी कभी लोगों की निगेटिविटी को देख के, बट इस चीज को आप अपने ऊपर हावी मत होने दे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और दूसरा है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्रिएटिव माइंडेड है, जो जिसमें उसको रुचि है क्रिएटिविटी में, तो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्रिएटिविटी उभर के निकलेगी आपके अंदर से। अंत में बस इतना ही कहूंगी कि बनाए हुए रास्ते पर तो सभी चलते हैं, कोई नया रास्ता बनाइए और क्रिएटिविटी की रोशनी को दुनिया में फैलाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।